टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन टू टाइप्स का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जब भी बॉडी रेस्ट में होती है। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उस फ्रिक्शन को हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि उस वो बॉडी रेस्ट में रखी जा रही है, वो रखी जा रही है एक फ्रिक्शन के द्वारा, जो फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कोई भी बॉडी खड़ी रहेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से खड़ी रहेगी। जब भी बॉडी मोशन में आ जाएगी, क्योंकि काइनेटिक जो मतलब काइनेटिक जो वर्ड का मतलब होता है ना, वो होता है मोशन। तो जब भी बॉडी मोशन में आ जाएगी तो मोशन की वजह से जो उसके द्वारा फ्रिक्शन अपोज करा जाएगा उसको हम बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन की टू टाइप्स होती है, क्योंकि बॉडी हमारे पास दो तरह से आ सकती है। एक तो स्लाइड करके, एक रोल करके। रोल करके आएगी गोल गोल घूम के, स्लाइड करके आती है सीधे सीधे नीचे उतर के। जैसे अगर हम बात करते हैं इस पेन की ही बात करते हैं, जैसे ये अभी स्लाइडिंग कंडीशन में है, ये अभी स्लाइडिंग कंडीशन में था, और अगर हम ऐसे कर दे तो ये रोलिंग कंडीशन में है। हम देख भी सकते हैं कि जैसे देखिए, हमने सरफेस को सिर्फ इतना सारा इंक्लाइंड कर रखा, उसके बावजूद भी ये रोल होके नीचे आ जाता है, लेकिन स्लाइड होके नहीं आता। इसका मतलब क्या हो गया? स्लाइड के टाइम पे इसको रोका जा रहा है, स्लाइड के टाइम पे रोका जा रहा है, यानी कि इसके मोशन को अपोज किया जा रहा है, इसके मोशन को अपोज किया जा रहा है इस टाइम पे ज़्यादा, स्लाइडिंग के टाइम पे ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। तो हमारी मोशन के टाइम पे हमारे पास दो टाइप के फ्रिक्शन आ जाएंगे। फर्स्ट होने स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी स्लाइड ऑन अनदर सरफेस, एंड रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेन अ बॉडी रोल ऑन और अनदर सरफेस। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। देर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट वन इज इट हेल्प इन वॉक, क्योंकि हमारे पैर के पास, पैरों के नीचे जो शूज हम डालते हैं, शूज की सोल के अंदर ग्रूव्स होते हैं। ग्रूव्स होते हैं ऊंचे नीचे वाले जो रास्ते होते हैं। आप लोग अपने शूज की जो सोल होती है, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, जो अर्थ के साथ कांटेक्ट में आता है, उसको भी देख सकते हो, क्योंकि जो हमारे शूज होते हैं उसके नीचे वाले साइड में ये लगे होते हैं। ये हमारे क्या कहलाते हैं? ग्रूव्स। अंदर वाले को हम ग्रूव्स बोलते हैं। तो ये अंदर वाले जो हम रास्ते बनाते हैं इनको ग्रूव्स बोला जाता है। तो इन ग्रूव्स की हेल्प से हम आसानी से चल सकते हैं, तो फ्रिक्शन हमारे चलने में हेल्प कर सकता है। और हम देख भी सकते हैं कि जैसे जैसे हम स्मूथ सरफेस का यूज करते हैं, या फिर कभी ऑयल गिरा हो किसी भी सरफेस पे, तो हम उस पर आसानी से नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है। सेकंड है हेल्प इन राइटिंग। जैसे मैं अभी लिख पा रहा हूँ, ये भी फ्रिक्शन की हेल्प से लिख पा रहे हैं। आप पेन कॉपी पे, पेन के द्वारा कॉपी पे लिख पाते हो, पेंसिल के द्वारा कॉपी पे लिख पाते हो, चॉक के द्वारा ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड पे लिख पाते हो, वो भी हेल्पफुल होता है राइटिंग में भी फ्रिक्शन। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पे भी हमारे बेसिक से कितना भी स्मूथ सरफेस है, वो उसके अंदर इरेगुलरिटी जरूर होती है, और वही इरेगुलरिटीज उसको लिखने में हेल्प करती हैं। तो हेल्प्स इन राइटिंग। सेकेंड वन, थर्ड वन इज हेल्प्स इन अप्लाइंग ब्रेक्स। जैसे हम कोई भी गाड़ी चला रहे होते हैं, तो गाड़ी चलाते चलाते हम ब्रेक्स अप्लाई कर देते हैं। जब भी आगे से कुछ भी चीज़ आ जाती है, तो ब्रेक अप्लाई करने में भी हमें हेल्प करता है, रोकने में हेल्प करता है, क्योंकि ये अपोज कर रहा होता है। हम जैसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो टायर होते हैं ना, टायर की तो मोशन इधर वाली डायरेक्शन में है, लेकिन टायर के अंदर जो ब्रेक्स के शूज होते हैं वो इसको रोकते हैं, और इसको रोकने में हेल्प करते हैं। वो फ्रिक्शन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है इसको रोकना। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट व्हीकल फ्रॉम स्किडिंग। स्किडिंग में, स्किडिंग से कैसे रोकता है? जैसे हम कई बार टर्न करते हैं, बहुत सारा हाई टर्न आ जाता है, तो हमारी गाड़ी की अगर स्पीड ज़्यादा हो तो हम स्किड करके उसके से फिसल सकते हैं, या फिर हमारी गाड़ी पलट सकती है, या फिर ऐसे जा सकती है ऐसे स्किड करते हुए। तो उसको स्किडिंग करने से भी रोक लेता है, क्योंकि ये जो गाड़ी के नीचे टायर होते हैं, टायर के नीचे हम फैट्स बोलते हैं इनको, जैसे ऐसे ऐसे लाइनिंग्स होती हैं आपकी गाड़ी के टायर के अंदर या बाइक के टायर के अंदर, उनको हम बोलते हैं थ्रेड्स। तो वो थ्रेड्स हमारा फ्रिक्शन को बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। तो इसी फ्रिक्शन की वजह से हम रोक सकते हैं अपनी गाड़ी को स्किड करने से। लेकिन इस फ्रिक्शन की एडवांटेज भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। इन डिसएडवांटेजेस को हम देखते हैं। सबसे पहली बात होती है वियर एंड टियर। वियर और टियर वैसे तो अलग अलग देखे तो इसका मतलब, वियर का मतलब होता है पहनना, टियर का मतलब होता है रोना या फाड़ना। लेकिन वियर और टियर दोनों मिलके एक अलग से ही सेंस बना लेते हैं, इसका मतलब होता है टूट और फूट, यानी कि जो भी हमारी मशीनरी पार्ट्स के अंदर टूट फूट होती है,
टूट जाते हैं हमारे मशीन्स पार्ट थोड़े दिन यूज करने के बाद में, वो किस वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हमारी मशीन्स बहुत सारे दिनों तक चल सकती थी। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी मशीन्स के अंदर वियरनेस एंड टियरनेस होती है। तो दिस इज द डिसएडवांटेज। इट प्रोड्यूसेस हीट ऑल्सो, ये भी हमने पहले पढ़ भी चुका था। ये प्रॉपर्टी भी आती है फ्रिक्शन की, जिसमें हमने देखा था कि फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो हीट हमारे लिए ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा में प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए भी हमारा फ्रिक्शन यहाँ पे हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। रिक्वायर ए लॉट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम। फ्रिक्शन होता है, जैसे किसी मान लेते हैं यही बॉडी रखी हुई है, अगर एक कोई भी हैवी बॉडी है थोड़ी सी इससे, तो एक छोटा सा बच्चा आएगा उसको धक्का लगाएगा तो वो नहीं चल पाएगी, तो उसको बहुत सारा धक्का लगाना पड़ेगा तब चल पाएगी वो। अब अगर बहुत सारा स्मूथ सरफेस होता तो ये हल्का सा धक्का लगाने के बाद भी चल सकती थी। तो जो इसके फ्रिक्शन को, जो इसके सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज थी और जो इसके सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज थी जहाँ पे ये कॉन्टेक्ट में आए थे, तो उन इरेगुलरिटीज को ख़त्म करने के लिए काम आया था हमने जो फोर्स अप्लाई किया था। तो बहुत सारा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी भी लगानी पड़ती है, इसलिए फ्रिक्शन को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं? बाय मेकिंग ग्रूव्स। ग्रूव्स होती हैं हमारे, जैसे अभी मैंने शूज़ के अंदर ही बताया था, जो हम ऊपर नीचे आपके शूज़ के नीचे जो सोल के नीचे लगे होते हैं ना, ग्रूव्स बनी होती हैं, उनको बोलते हैं। तो ग्रूव्स बना करके हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। रफ़ सरफेस को यूज़ करके भी हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि रफ़ सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज ज़्यादा होंगी। ड्राई सरफेस के अंदर भी फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। ड्राई सरफेस के अंदर फ्रिक्शन ज़्यादा क्यों होगा? क्योंकि ड्राई सरफेस के अंदर इरेगुलरिटीज होती हैं। अगर ये वेट सरफेस होता, इन इरेगुलरिटीज के अंदर जो भी सब्सटेंसेस के ऊपर गिरा होता वो फिल हो जाता, तो इरेगुलरिटीज कम रह जाती वेट होता। तो वेट सरफेस के अंदर जो इरेगुलरिटीज थी कम थी, इसलिए वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता। तो ड्राई सरफेस भी हम करके फ्रिक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख भी सकते हो, जैसे बारिश के टाइम पे कई बार फिसलन वगैरह हो जाती है कहीं पे, तो हम उस फिसलन के ऊपर थोड़ा सा अगर मिट्टी डाल देना हल्का सा ला करके, या जितना भी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना सारा वहाँ पे फिसलन बना हुआ है, तो उस वो सरफेस बन जाएगा ड्राई सरफेस। तो ड्राई सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ड्राई सरफेस करके भी फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। थ्रेड टायर के अंदर होता है, जो लाइनिंग लाइनिंग बनी होती है, अभी बताया भी था, जो टायर के अंदर ऐसे ऐसे लाइनिंग्स बनी होती हैं, तो ये भी फ्रिक्शन को इंक्रीज करने में काम आती हैं। अब हमने देखना है फ्रिक्शन को हम डिक्रीज कैसे कर सकते हैं। फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए हमने देखा था ऊपर वाली साइड में रफ सरफेस था तो फ्रिक्शन ज़्यादा था, अगर हम स्मूथ सरफेस को यूज़ करें तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। ड्राई सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन ज़्यादा था, तो अगर हम वेट सरफेस यूज़ करें तो उसके अंदर फ्रिक्शन कम होगा। तो ऐसे ही पॉलिश सरफेस के अंदर भी इरेगुलरिटीज कम होंगी, तो इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा। तो हम सरफेस को पॉलिश करके इरेगुलरिटीज को कम कर सकते हैं, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। स्मूथ सरफेस को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। ल्यूब्रिकेशन में आ जाएगा ग्रीस एंड ऑयल, ल्यूब्रिकेशन में आ जाएगा ग्रीस एंड ऑयल। बाय अप्लाइंग ग्रीस एंड ऑयल, तो ग्रीस और ऑयल जो है वो फिर से इरेगुलरिटीज के अंदर फिल हो जाएगा, और वो दूसरे वाले जो सरफेस की इरेगुलरिटीज थी उसके अंदर भी फिल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर रखा जाएगा। तो यहाँ पे फिल होने की वजह से ये सरफेस इसकी इरेगुलरिटीज के अंदर फंस नहीं पाएगा और ये आसानी से इसके ऊपर मूव कर जाएगा। तो इसलिए हमारा ग्रीस और ऑयल इसमें हमारी हेल्प करता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में। स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो भी आगे से नुकीली हो थोड़ी सी और पीछे से वाइडर हो, तो उसको हम स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी के ऊपर बेस ही हमारे शिप्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, और पक्षी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी में होते हैं, इसलिए ही वो उड़ पाते हैं बर्ड्स हमारे। तो दीज आर द फैक्टर्स बाय विच वी कैन डिक्रीज द फ्रिक्शन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में से यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन कि इन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग और रोलिंग दोनों काइनेटिक के पार्ट्स होते हैं, तो इनमें से सबसे ज़्यादा कौन होता है? सबसे ज़्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, क्योंकि जैसे जैसे हम धक्का लगाते हैं किसी बॉडी को, तो उसको रोकने की कोशिश करने के लिए उसके पास स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो जैसे जैसे हम धक्का लगा रहे हैं वैसे वैसे बढ़ रहा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इससे कम होगा क्योंकि ये मोशन में आ रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा। तो हम कह सकते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन से स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। और फिर काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर दो टाइप्स हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन।
यहाँ पे स्लैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम रहे ज़्यादा रहेगी और रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कम रहेगी। तो हम यहाँ दोनों रिलेशन से पता लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों काइनेटिक की टाइप्स हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है, स्टैटिक इन फ्रिक्शन को रेगुलर में वे में लिखिए। तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये थोड़ा सा मैं इधर लिख देता हूँ, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होता है, स्लाइडिंग उससे कम होता है और रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रिक्शन। थैंक्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।